बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज जो आरफ वाला में एक दोस्त हैं उनके लिए गाड़ी लोड करा रहा हूँ। मार्बल फैक्ट्री है उनकी, तो उनको जो है सिल्की ब्लैक के मैंने काउंटर लोड करवाए हैं। ये सिल्की ब्लैक, ये किचन टॉप इसको कहते हैं और हम इसको काउंटर कहते हैं अपनी जुबान में। और ये सिल्की ब्लैक के जो है ना सीढ़ियों के स्टेपों के लिए, इसको डंडे हम कहते हैं अपनी जुबान में। ये डंडे लोड कर रहे हैं, 14 सूत्र के डंडे हैं। इसको दरमियान में सेक्शन होगा, दोनों साइडों से पॉलिश करके सेक्शन होके गोला पॉलिश बना के सीढ़ियों के स्टेप बनते हैं जी। तो ये हम लोड करवा रहे हैं। इसमें बादल का मार्बल भी है और इसमें ये भाई ने आबशार बनानी है, उसके लिए उन्होंने कहा था गोल गोल छोटे बड़े पत्थर मिक्स जो है ना ये भी हमें लोड करवाएं। तो उन्होंने ये आबशार के लिए ये कहा है, ये थोड़े से हमने इसमें लोड कर दिए हैं, यहाँ पे काफी मकदार में मिल जाते हैं। ये सारे जो है ना ये सीढ़ियों के लिए स्टेप हैं। ये 50 4 फुट के हैं और 50 3.5 फुट के हैं सिल्की ब्लैक के, और 50 4 फुट के बादल के हैं और 50 3.5 फुट के हैं। इनके साथ काउंटर भी हैं और बाकी जो है ना 4 सूत्र का मार्बल है, इसमें लोड करवा रहे हैं हम। इसके बाद हमने जी ये मार्बल लोड करना है। ये आप इसकी कटिंग देख सकते हैं, ये देखें जी आप इसकी कटिंग भी देख सकते हैं। इसमें एक चीज देखने वाली जो होती है ना, कटिंग इसकी देखने वाली होती है। कटिंग इनके सारे मार्बल की मोटाई एक बराबर है, ये देखें कटिंग ये देखा जाता है। अब देखें इसमें ये इन पीसों को आप देखें, ये सारे एक जैसे ही हैं। बाज़ औक़ात कटिंग जो है ना बहुत अच्छी नहीं होती, तो मैं ये चीज़ भी देखता हूँ। जिन दोस्तों को भी मार्बल भेजता हूँ ना, तो उसमें कटिंग जो है इसके ऊपर ख़ुसूसी गौर करता हूँ। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि यहाँ से जो है वो पीस अगर 4 सूत्र है तो यहाँ से 3 सूत्र हो जाता है और यहाँ पे फिर 4 सूत्र। बाज़ औक़ात ब्लेड इस तरह टेढ़ा चलता है, इसके साथ फिर ये पीस भी ख़राब हो जाता है क्योंकि 14 सूत्र पीस जैसे निकाला जाता है। तो ये इसके बाद हमने लोड करना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों सिल्की ब्लैक का मार्बल जो है 4 सूत्र का मार्बल लोड करने हैं। आगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिल्की ब्लैक के सीढ़ियों के स्टेप लोड किए हैं, और ये इसके ऊपर मैं आपको अभी पानी डाल के दिखाता हूँ। ये आप देखें जी, ये पॉलिश में ये कलर निकलेगा, ये बहुत ही कमाल का कलर है। ये देखें जी, ये है जी सिल्की ब्लैक ओरिजिनल मोहम्मद एजेंसी का सिल्की ब्लैक, और इसकी मोटाई और इसकी कटिंग आप देख सकते हैं। ये देखें 4 सूत्र इसकी जो है ना थिकनेस, ये देखें सारे पीस एक जैसे हैं। छत्तीस सौ फुट सिल्की आर्डर का मार्बल है जी सिल्की ब्लैक 3600, जिसमें 3000 फुट 12x24 2 फुट का और 600 फुट 4x4 का। तो आरफ वाला और बुरे वाला इस इलाकों में, आरफ वाला के नज़दीक किसी को भी सिल्की ब्लैक चाहिए या बादल चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको भाई का नंबर दे दूंगा, आप उनसे जाके ये ले सकते हैं। बेहतरीन मार्बल है सिल्की ब्लैक, ये मोहम्मद जेंसी का, और इसके ऊपर पॉलिश कमाल की पॉलिश आती है। मैं इसके ऊपर तस्वीर भी लगा देता हूँ पॉलिश पीस की जी। तो दोस्तों सिल्की मार्बल हमने लोड कर लिया है और इसके बाद हमने बादल शुरू किया है। बादल 6000 फुट जो है ना हमने लोड करना है। 3600 फुट जो है हमने सिल्की ब्लैक लोड कर लिया है और अब 6000 फुट जो है वो बादल लोड करना है। और बादल जो कलर है उसका मैं पीस निकाल के रखा हुआ है। ये बादल है जी ज़ियारत वाले बादल, ये देखें बादल, बादल में जो है ना इस तरह का लाइट कलर जो है वो मैं लोड कर रहा हूँ। बादल किसको कहते हैं, बादल होता है इस तरह का, ये जो डार्क शेड है सारा, और ये लाइट, ये देखें इस तरह का मार्बल जो है ना मैं लोड करवाता हूँ, जिन भाइयों को भी लोड करवाता हूँ। और एक इनको जो है ना ज़ियारत बादल चाहिए था, और ये ज़ियारत बादल इसकी चमक कमाल की चमक आती है इसके ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़बूत मार्बल है जी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।